हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को अपना हेयर कट दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि मैम आप अपना हेयर कट किसी सैलून में जाके करवाइए, किसी पार्लर में जाके अदर पर्सन से अपना हेयर कट करवाइए। सेल्फ हेयर कट तो आपने बहुत सारी देखी होगी मेरी, बस इस वीडियो में मैंने किसी और से हेयर कट करवाया और फुल लेयर हेयर कट करवाया। बहुत ही अच्छा लुक आया है, आपको सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बालों की कटिंग आपको शायद इसमें परफेक्ट ना दिख रही हो मेरे बालों की, तो आपको वीडियो में सब कुछ अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही परफेक्ट लुक आया था। आपके भी बाल अगर मेरे बहुत हल्के हैं, छोटे हैं, इसमें आप कुछ स्टाइलिश लुक रखना चाहते हो तो आप इस तरीके की हेयर कटिंग करा के रख सकते हो। तो चलिए चलिए दिखाते हैं कि कटिंग कैसे की है मैंने और कैसा लुक आया है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी ब्लॉग वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। आपको उस पर कटिंग स्टिचिंग की वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो वीडियो मेरी वायरल हो रही है, तो आपको जिस टाइप की वीडियो देखने का मन हो उस चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं वैसे ही वीडियो उस चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊंगी। इस चैनल पे आज का जो मेरा हेयर कट है, माय न्यू हेयर कट लुक, तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो जब मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को भरपूर लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले जहाँ पे मैंने कटिंग कराई थी, इन्होंने पहले मेरे बीच से बाल सेंटर से ऊपर की तरफ लिए थे एकदम 90 डिग्री पे, और जिस लड़की को मैंने अपना फ़ोन दिया हुआ था कैमरा वीडियो लेने के लिए, उन्होंने थोड़ा ढंग से नहीं लिया, लेकिन अभी आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। फिर मैंने बाद में बोला था कि आप थोड़ा ढंग से ले लो, तो उन्होंने ढंग से लिया था। तो इस तरीके से पूरा सेंटर से ऊपर की तरफ बाल लेके जाएंगे 90 डिग्री पे, और देखिए कितनी ज़्यादा मेरी लेंथ यहाँ पर निकल रही है फ्रंट से। ओके, तो इतने सारे हेयर कट करने हैं अभी, तो इसी के ये हमारा गाइडलाइन हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही सारे हेयर कट होंगे। पहले तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड ज़्यादा छोटा हो गया क्या हेयर, बट नहीं, बाद में बहुत ही अच्छा लुक आया था। और मेरे बालों का जो वॉल्यूम है, अजीब बाल मेरे वॉश करने के बाद से फूले फूले से दिखते हैं, शायद मैं सीरम यूज नहीं करती इसके लिए, लेकिन सीरम यूज करना चाहिए, उससे बाल आपके काफ़ी अच्छे और मैनेजेबल दिखते हैं। अभी मैं बाहर आई हुई हूँ तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेकर नहीं आई हूँ, इसलिए बालों का केयर भी नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हेयर कट हुआ था। इसी तरीके से उन्होंने ऊपर की तरफ ले लेके बालों की मेरी कटिंग की थी। अभी लेयर्स ले लेके ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट करेंगी। बीच पीछे से हम लोग पहले इन्होंने बीच की मांग निकाल दी थी, तो आपको ये वीडियो देख के लेयर कट में काफ़ी हेल्प भी मिलेगा। तो इस तरीके से बीच से इन्होंने मांग निकाल ली पहले, ओके, ताकि हमको लेयर कट करनी होती है ना तो बीच से इस तरीके से मांग निकालनी होती है, और एक साइड के बाल आप आगे की तरफ कर दो, दूसरी साइड के इस तरीके से, और थोड़ी थोड़ी लेयर्स लेनी है। और इसको पूरा ऐसे सामने की तरफ लेके जाएंगी भाभी, देखिए कैसे कट करती हैं। इस तरीके से हेयर को लिया है और इस तरीके से कॉम करते हुए, कॉम को इस तरीके से तिरछा लेना, सेम उसी तरीके से आपको फिंगर लेके जाना है और इस तरीके से हेयर को कट करना है। ओके, आई होप कि दिख रहा होगा गाइज आप लोगों को। तो ये देखिए इस तरीके से कट किया इन्होंने, अभी देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मतलब लेयर कट कराया है अपने बालों में, खुद से ही कट करती थी, बट आप लोगों का डिमांड था कि मैम किसी और से पार्लर में जाके आप हेयर कट कराइए, तो मैं पार्लर में आके हेयर कट करा रही हूँ और अच्छा लुक आया था। मैं हमेशा 2 से 3 मंथ में अपने हेयर कट करते ही रहती हूँ, और बहुत सारी मेरी सेल्फ हेयर कट की भी वीडियोज होंगी। वाह, बोल रही थी कि ये जो लेयर्स कट रहे हैं इनका भी वीडियो ले लीजिए, तो उन्होंने लिया था। अब जो मेरे ज़्यादा बालों में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है,
हमेशा कट कराते रहती हूँ तो नीचे के बाल ऐसे कम ही दिखते हैं, ऊपर मतलब स्कैल्प के पास वॉल्यूम है बट जो लेयर्स कटते हैं तो पीछे के बालों में थोड़ा सा कम वॉल्यूम हो जाता है। अगर आप ओपन हेयर रखना चाहते हो, पोनी बना के रखना चाहते हो, क्लचर लगाना चाहते हो, बन बनाना चाहते हो तो आपके लिए ये सब हेयर कट बेस्ट है। बट ये सब हेयर कट में आप चोटी नहीं बना सकते, चोटी बहुत पतली दिखती है नीचे से। ओके ब्राइड, तो ये देखिए एक साइड का हेयर कितना परफेक्ट आया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और पीछे से भी थोड़ा सा बहुत कटेगा, मतलब लेंथ छोटी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपके बालों में मतलब स्टाइल नहीं दिखेगा तो लेंथ का कोई मतलब नहीं रहता है। तो बाल इस तरीके से हेयर कटिंग कराने से बालों की वॉल्यूम भी अच्छी दिखती है। चलिए अभी दूसरी साइड का भी हेयर कट स्टार्ट करेंगे। वाओ, तो चलिए दूसरी साइड का हेयर कट स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हेयर कट करेंगी। मैंने पूरा वीडियो लिया था ताकि आप लोग को हेयर कट भी समझ में आ जाए और मेरा लुक भी देखने को मिल जाए कि मैंने मतलब किसी और से हेयर कट कराने पे मेरा कैसा लुक आया है। तो इस तरीके से पतली पतली लेयर्स ले लेते हैं और थोड़ी सी लेयर्स लिए हैं इन्होंने यहाँ पे, और इस तरीके से फिंगर आप देख सकते हो फिंगर कैसे ले रही हैं, इस तरीके से तिरछा रखना है। कहाँ जा रही हैं यार, कैमरा ढंग से पकड़ो। और ऐसे सीजर को स्ट्रेट रख के और कट करना है। ओके ओके, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे हेयर मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे, एक मंथ में आपका अच्छा लुक आ जाएगा बालों का। फिर दूसरा लेयर लिया और जो आपका गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सारे हेयर कट होंगे यहाँ पे। ऐसे सीजर को एकदम स्ट्रेट रखना है और ऐसे कट करते जाना है। ओके और जो बाल मेरे जैसे ब्लीच से हाइलाइट्स वगैरह करते रहती हैं, बहुत सारी वीडियो डाली हुई है ब्लीच से बालों को हाईलाइट कैसे करें, वो सब करने की वजह से ब्लीच से जैसे बालों को ज़्यादा हाइलाइट्स करते हैं तो बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, रफ से दिखने लग जाते हैं। तो ये हेयर कट कराने से मतलब वो सारे फ्रिजीनेस एंड जो बाल ख़राब हो गए थे वो भी निकल गए। ओके अब मेरा शायद लास्ट ही लेयर है ये, फिर बैक से फिनिशिंग देंगी कटिंग में। तो ये देखिए इतना लेंथ मेरा गया था नीचे से, ऊपर से तो आपने देखा ही काफ़ी ज़्यादा लेंथ कट हो गया, बट जो बैक से नीचे का लेंथ होता है वो इतना ही कट हुआ था। अब चलो आप देख लो दोनों साइड से कितना मस्त हेयर कट लग रहा था ये, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आई थिंक आप लोग को भी, मेरे ख्याल से आप लोग को भी बहुत पसंद आया हो ये मेरा हेयर कट। जो हल्का फुल्का इधर उधर दिख रहा था उसको दोबारा से कट करेंगे यहाँ पे। ओके अभी सारे बालों को बैक साइड में लेके जाएंगे। शॉर्ट हो गए थे बट अच्छे लग रहे थे, तो चलिए बैक साइड से देखते हैं कैसा देती हैं फिनिशिंग ये। मेरे बाल इन्होंने हाथ में उठाए हुए थे, वो दिखा रही थी कि इतने सारे हेयर मेरे, और फेंक दिए उन्होंने उधर ले जाके। तो बैक से इस तरीके से कॉम करके और फिनिशिंग देंगे। अभी कटिंग सीट लगी हुई है बट अभी कटिंग सीट उतार देंगी और फिर
कैप को मैंने बोला निकाल दीजिए, नहीं तो अच्छे से हेयर कट दिखती नहीं। बैक से भी नॉट बैड का अच्छा लुक था। अभी जो मेरे लेयर्स दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेंथ को छोटा कर देंगे यहाँ से। तो ये पूरा फाइनल लुक था मेरा और बहुत ही अच्छा लुक आया था। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। आप इसमें क्लचर वगैरह लगाओगे तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी बालों की। मैंने यहाँ पे लगा के नहीं दिखाया है। तो उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया था, वो दिखा रही थी कि ऐसा हेयर कट हुआ बैक से, तो मैंने बोला ठीक है। और आप ये देख सकते हो तो ये पोनी बना के दिखा रही थी कि ये ठीक है इतना, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मस्त। कट तो अपने कैमरा उन्होंने छोड़ दिया है। लोग की वीडियो पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें। तो कैसी लगी आप लोग को मेरी हेयर कटिंग? अभी मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं और मेरा लुक कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हो फ्रंट से ये काफी शॉर्ट हो गए हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लुक है। आप इसमें क्लचर लगाओ, पोनी बनाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, हाई पोनी नहीं बनाओगे तो थोड़ा सा नीचे से अजीब सा हेयर दिखेगा। लो पोनी बनाओ, क्लचर लगाओ, हाई क्लचर या फिर हाई बन बनाओ, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। साइड से जो ये बैंग्स निकलते हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत ही अच्छा कट भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पे। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कटिंग कैसी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साइड से भी लुक आप देख सकते हो। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। आप लोगों को जो भी वीडियो मतलब मेरी अब लगभग सारी वीडियोज आप लोग को पसंद आती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप लोग को मेरी सारी वीडियोज पसंद आएगी और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि 100% आप लोगों को दूं अच्छी वीडियोज, अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ पाऊँ। उसके लिए आप लोग को मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, जैसे कि 18,000-19,000 तक पहुँचने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा कर रही है, जैसे और यूट्यूबर्स का आपने सपोर्ट किया है, साथ दिया है, वैसे मेरा भी सपोर्ट कीजिए। अभी मैं बाहर घूमने आई थी जिसकी वजह से रेगुलर वीडियोज नहीं डाल पा रही थी, बट मैं 26 तारीख को अपने गांव मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ चली जाऊँगी, तो उसके वजह से मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियोज देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पर जरूर जाइए, देखिए, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24, वहाँ पर भी आप लोग को बहुत सारी रील्स वीडियोज मेरी फोटो वगैरह देखने को मिलेगी, तो जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा प्रीत तिवारी 24। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। अपना मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। बाय बाय।